जो डिस्कशन किया है उन तीनों में से मैं एक ले रहा हूँ। जो हमने तीन नाइट्रो कंपाउंड का हमने देखा है वो भी बताया है, अमाइन देखा और अमाइड देखा, उनमें से मैंने यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड लिया है। इस नाइट्रो कंपाउंड में, इस नाइट्रो कंपाउंड में यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RNO2, और R आपके पास क्या है, ये है एल्काइल ग्रुप। ये क्या है, एल्काइल ग्रुप, जो कुछ भी हो सकता है आपके पास, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, इस तरह के एरोमेटिक हो सकता है, एलिफेटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन नाइट्रो कंपाउंड में अगर मैं देखूँ तो आपने देखा होगा दो जुड़ते हैं, एक होता है NO2 और एक होता है NO3, ठीक है। क्या होता है, NO3 दोनों होते हैं, क्या होते हैं, NO3 दोनों होते हैं। तो ज़रा देखना, अगर NO2 लगा हुआ है तो इसे क्या बोलोगे, नाइट्राइट, क्या बोलोगे, नाइट्राइट। और NO3 अगर लगा हुआ है तो इसे क्या बोलोगे, नाइट्रेट, क्या बोलोगे, नाइट्रेट, ठीक है। तो ये आपको बोलना है नाइट्राइट और नाइट्रेट, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आएगी। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, बैठो जाए। हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है NO2। अब देखो NO2 जब हम देख रहे हैं तो पहले तो अपने पास नॉर्मली हम लिखा हुआ है अपने पास नाइट्रो कंपाउंड, तो डेफिनेशन क्या होगी आपके पास, तो सिंपल सी डेफिनेशन है। आपने यहाँ पर देखा ये कोई आपके पास जो है कोई कार्बन चेन है, क्या है, कार्बन चेन है। एल्काइल ग्रुप क्या है, कार्बन चेन है, और क्या कंडक्ट किए हुए, NO2, क्या की कंडक्ट कर रही है, ये NO2 ग्रुप को कंडक्ट किए हुए हैं। तो आप नाइट्रो कंपाउंड्स की अगर बात करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि द कंपाउंड्स कंटेन नाइट्रो ग्रुप, ऑल द कंपाउंड्स कंटेन नाइट्रो ग्रुप्स आर कॉल्ड नाइट्रो कंपाउंड्स, क्या है, नाइट्रो कंपाउंड। तो ये आपके पास नॉर्मल डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, ऑल दोस, आप यहाँ पर ऑर्गेनिक में ज़्यादातर बात करते हैं, ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ऑल दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन चेन कंटेन नाइट्रो ग्रुप अकॉल्ड नाइट्रो कंपाउंड्स। ये तो आपके पास हो गई, जो आपने बोला RNO2, ये हो गई, है ना, ये आपके पास है। अब आप क्या देखोगे, इसकी स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर नॉर्मली आप देखो इसमें, तो आपके पास स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, ये कौन है, मैं वन कार्बन का ले लेता हूँ जिसे HHH, यानी कि मैंने यहाँ क्या ले लिया, आपकी जगह CH3, आपकी जगह क्या ले लिया, CH3 ले लिया, और इसकी जगह क्या है, NO। अब मैं NO में भी O2 को जो है वो किस तरह से लिखता हूँ, जरा देखो इसकी रियल स्ट्रक्चर देखो आप, रियल स्ट्रक्चर ऐसे होती है। हमें रिएक्शन करनी है, हमें समझना है, तो हमें सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर समझनी पड़ेगी, और स्ट्रक्चर भी हमने देखी है, तो आपके पास दो तरह की स्ट्रक्चर होती है। आप अगर इसे बात करो तो यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर अगर आती है तो इसे बोल सकते हो, इस स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हो, ये है क्लासिकल स्ट्रक्चर, क्या है, क्लासिकल स्ट्रक्चर, ये क्या है, क्लासिकल स्ट्रक्चर। और पोलर स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, तो पोलर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पर आपने CH3 लिया है और N, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और O के साथ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कैसी स्ट्रक्चर है, ये आपकी पोलर स्ट्रक्चर है, कैसी है, पोलर स्ट्रक्चर है, क्या है, पोलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आप ये देखोगे तो क्लासिकल स्ट्रक्चर में भी अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन पर एक्चुअली में अगर आप अच्छे से देखो इसको, तो आपको पता है यहाँ पर जरा देखना, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और आपको सबको पता है कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो क्या है, 1s2 2s2 2p कितना, ये 3। अब 3 है तो p में 3 है, तो इसका मतलब है पी में 3 है और तीन ऑर्बिटल में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड 3 तो बन रही है। और हम बात कर रहे हैं किसके अंदर, सेकंड सेल की, सेकंड सेल में कौन है, एस एस पर डबल है, एस पर लोन पेयर, ये
पेयरिंग में है तो लोन पेयर, तो हम लिख सकते हैं कि ऐसा नाइट्रोजन जिसपे एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड हो, और क्या हो, तीन बॉन्ड हो, तो तीन बॉन्ड नजर आ रहे हैं क्या, एक ये रहा, क्या है, एक ये रहा और दो ये रहे, तीन हो गए, तो एक क्या बचा फिर, लोन पेयर। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर देखो, यहाँ इसने क्या कर रखा है, ये लोन पेयर दे रखा है, यानी ये बॉन्ड जो बनाया हुआ है ये कैसा है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है, कैसा है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है, कैसा है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, ये इसने इसको दे रखा है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को अगर आपको देखना है तो ऑक्सीजन पे 8 क्या हो जाएगा, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p कितना 4, कितना 2p 4 4 है, तो पी पर जरा देखो, पी पर 4 करोगे तो एक लोन पेयर और दो अनपेड, और सेकंड सेल को लोगे तो आपके पास ये भी लोन पेयर, तो ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर और दो क्या है, सिंगल बॉन्ड जो बॉन्डिंग बना सकते हैं, जो बॉन्डिंग बनाते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, दो बॉन्डिंग बनाएगी, दो बॉन्डिंग बनाएगी और दो लोन पेयर रखेगी। अब लेकिन ये बात किस पर होती है, ये बात इस पर होती है, ये बात किस पर होती है, ये बात इस पर, जैसे यहाँ पे देखो दो बॉन्डिंग बनी हुई, तो दो लोन पेयर इस पर है, ठीक है, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी दो बॉन्डिंग बनी हुई है तो दो लोन पेयर है, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर लोन पेयर तीन है, कैसे, देखो दो बॉन्डिंग है तो एक बॉन्डिंग तो बनी हुई है, एक बॉन्डिंग तो बनी हुई है ऐसे हम मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में बॉन्डिंग जो बनी हुई है ना, ये किसके बॉन्ड से नहीं बनी हुई, ये किसके इलेक्ट्रॉन से नहीं, इसके से इसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से नहीं, इसने क्या कहा, और नाइट्रोजन कहता है कि भाई ऐसा कर, मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूंगा। दो बातें इजी होती है यहाँ पर, एक तो ये समझना है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास क्या है, कम है, सबसे कम है, डिक्रीज है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, है ना, तो यहाँ पर इसका न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को होल्ड करके क्या करता है, होल्ड करके नहीं रख पाता है इतना, किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में, अगर ऑक्सीजन के कंपेयर में होल्ड करके, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो जो है इसके कंपेयर में ज़्यादा मोर होल्ड करके रखेगा, क्या करेगा, ज़्यादा होल्ड करके रखेगा, अगर ज़्यादा होल्ड करके रखेगा तो ये कहेगा कि भाई मैं लोन पेयर नहीं दूंगा, मैं लोन पेयर नहीं दूंगा, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दो स्टूडेंट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, दो बच्चे हैं, उनके पास क्या है, एक बड़ा एक छोटा है, एक बड़ा है एक छोटा है, बड़ा का मतलब है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, छोटा है उसके मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। अब वो क्या चाहता है कि पैसे उसके पास हैं और दोनों से मांगा जाए, लिया जाए कि भाई पैसे दे दे, तो कौन दे पाएगा और कौन नहीं देगा, बड़ा है ज़्यादा समझदार है, समझता है पैसे से कुछ ना कुछ आता है, या फिर कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे, किसी ना किसी के साथ हम जाएंगे पार्टी करने के लिए, आइसक्रीम खाएंगे, तो वो क्या करेगा, पैसे नहीं देगा, ये टेंडेंसी रखेगा कि वो पैसे नहीं देने की टेंडेंसी वो रखेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक पैसे की तरह है, और नाइट्रोजन के पास से देना तो वो भी नहीं चाहता, लेकिन उससे ज़्यादा, उससे इसके कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी आ जाए, मान लीजिए इसके पास 20 रुपए थे और बड़े वाले के पास, छोटे वाले के पास 10 रुपए थे, बड़े वाले को क्या है कि 10 रुपए और चाहिए, क्योंकि उसको आज किसी के साथ जाकर क्या करना है, आइसक्रीम खिलानी है, तो 10 रुपए उसके पास कम पड़ गए, वो क्या करेगा, कहेगा कि भाई मुझे पैसे दे, नहीं देगा तो निकलवा लेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो एक तो टेंडेंसी ये हुई। दूसरी बात सुनो, एक ये हो जाता है, ये इसके पॉकेट को फुल करना चाहता है, तो देखो ये क्योंकि स्टेबिलिटी की ओर भी जाना चाह रहा है ना, ये उसकी पॉकेट में पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा, भाई कोई टेंशन नहीं, आज तो हम जाएंगे साथ में बैठेंगे और आइसक्रीम या फिर कॉफी की चुस्की लेंगे, आइसक्रीम या फिर कॉफी की चुस्की लेंगे, तो ये स्टेबल हो गया फिर, तो हर हम जानते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो स्टेबल होगा, तो इसका भी वही हो रहा है, तो इसने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करवा दिया, और ये जब यहाँ आ गया
तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, कह दिया अब रास्ता खाली है, दे दे भाई दे दे, तो दे दिया। अब बताओ लोन पेयर कितने हो गए, 1 2 3 3 हो गए, तो लोन पेयर इस पे कितना हो गया 3। और जो इलेक्ट्रॉन आया ना बॉन्डिंग के लिए वो किसके पास था, इसके पास था। दो है ना इलेक्ट्रॉन, तो एक इसके ऑर्बिटल में एक तो इसके ऑर्बिटल में हो गया, ठीक है। तो ये बात समझ, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ चला गया, तो एक किसके ऑर्बिटल में रह गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल किसके आ गया। बात ऐसी है, बात ऐसी, बात समझ में आई नहीं है। और ये कैसे है, ये कहीं ना कहीं इसके साथ कोई ना कोई होगा H, H मान लीजिए H होगा, H मान लीजिए H होगा, H होगा तो H को भगा दिया और उसको बॉन्ड पेयर को इधर रख लिया। एक इसका एक इसी से लेके आया, इसीलिए नेगेटिव सो हो गया, इसीलिए नेगेटिव सो हो गया। तो ऐसा है, तो दो लोन पेयर तो इसके पास है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये भी एक तरह से क्या कर रहा है, तीन लोन पेयर, ये भी एक तरह से क्या कर रहा है, तीन लोन पेयर, ये दो, बात तो वही आ रही, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। ये तो हुई इसकी स्ट्रक्चर, इसीलिए यहाँ पर बताया नहीं जाता, होता तो वही है, क्योंकि इसने लोन पेयर दिया तो अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आया तो पॉजिटिविटी ना, आई तो इस पे क्या, अरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही तो हुआ ये, और इसके पास एक्स्ट्रा आ गया तो इलेक्ट्रॉन रिच ही हुआ, होना तो वही चाहिए, होना तो वही चाहिए। लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड की फॉर्म में बता रहे हैं, इस बॉन्ड का अपने आप में एक अस्तित्व है, तो ऐसे में ये बता रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, इसी रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन या क्लासिकल स्ट्रक्चर। उसकी पोलर जो दिख रही है साफ साफ बता रखी है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, क्यों, क्योंकि इसके पास कितने बॉन्ड बन गए, चार, कितने बन गए, चार, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ऐसे में अब हम बात कर रहे हैं इसके आगे, इसको देखो, इसके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, ये तो होगी इसके स्ट्रक्चर की बात, ये तो होगी इसके स्ट्रक्चर की बात, अब करते हैं इसके नोमेनक्लेचर की बात, जल्दी 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 इसके नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सुनो आप, और यहाँ पर रिएक्शन के लिए भी जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एक बार और डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम, बात करते हैं इसके लिए, बात करते हैं हम नोमेनक्लेचर के लिए, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर देखो, नोमेनक्लेचर के लिए अगर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, एक एल्काइल ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसकी नाइट्रो ग्रुप की बात कर रहे हैं। पहली बात तो आप प्रफिक्स सफिक्स अगर नोमेनक्लेचर रूल्स पढ़ोगे तो वहाँ पर प्रफिक्स और सफिक्स देखोगे तो इसका कोई सफिक्स नहीं, इसका क्या होता है, प्रफिक्स होता है, ऑर्डर में ये सबसे नीचे आता है, इसका क्या होता है, प्रफिक्स होता है, सफिक्स नहीं हुआ करता। तो आप क्या बोलोगे इसका, जब इसका नेम लिखोगे तो नेम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो लिखते हैं क्या, कॉमन नेम, और एक लिखते हैं क्या, IUPAC नेम, क्या लिखते हैं, IUPAC नेम। कॉमन नेम जब लिखोगे तो आप इसे क्या बोलोगे जी, कॉमन नेम जब लिखोगे तो इसे क्या बोलोगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया एग्जांपल में, एग्जांपल में लिख दिया CH3NO2, तो कॉमन क्या बोलोगे, और मैंने कहा है पहले भी समझाया है कि जब अगर ये हमने ये क्या बोला, यहाँ पे देखो RNO2 बोला कि नहीं बोला, इस R को मैंने क्या लिखा था, एल्काइल, क्या लिखा था, एल्काइल, इसके नेम के पीछे क्या लगाया, YL ही क्यों लगाते हैं, अरे भाई ये तब लगाया जाता है जब हमने मान लीजिए CH4, इसे बोलते हैं क्या, मीथेन, इसे बोलते हैं क्या, मीथेन। लेकिन कार्बन, एक कार्बन कितने हाइड्रोजन कंडक्ट किए हुए हैं, चार, अगर कोई भी कार्बन, सॉरी एक कार्बन कितने हाइड्रोजन है, चार, कोई भी कार्बन अगर उसके कंप्लीट हाइड्रोजन से वनलेस हाइड्रोजन हो तो उसके नेम पर हम क्या लगा देते हैं, YL सफिक्स लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, YL सफिक्स। मान लीजिए यहाँ पर वनलेस हो गया तो CH3, तो यहाँ पर मिथेन था तो मिथाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिथाइल, इसके सफिक्स में क्या लगा दिया अब हमने, YL। तो यहाँ पर वही बात थी, हर बार यहाँ पर कोई सी भी चेंज जोड़ो, एक लेस, वन लेस हाइड्रोजन रहेगा, वन लेस हाइड्रोजन रहेगा, तो हमने यहाँ पर उसके नेम में क्या लिख दिया, YL, और कोई भी एल्काइल हुआ तो YL लगा दिया, एल्काइल में लिया मिथाइल, मिथेन तो मिथाइल हो गया, इथेन तो इथाइल हो जाएगा, प्रोपेन तो प्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है, ये बात है। तो हमने यहाँ कॉमन नेम पर लिखा तो उसका नेम हो जाएगा क्या, मिथाइल, क्या हो गया, मिथाइल, और क्या है, नाइट्रो, मिथाइल नाइट्रो, ठीक है, मिथाइल नाइट्रो तो है, अब ये नाइट्रो ग्रुप है ना, तो इसका नेम क्या है, NO2 का मैंने क्या बताया था,
नाइट्राइट, क्या बताया था, नाइट्राइट, तो कॉमन नेम हो जाएगा इसके क्या, मिथाइल नाइट्रेट, क्या हो जाएगा, मिथाइल नाइट्रेट। आईयूपीएसी क्या लिखोगे, आईयूपीएसी इसका सफिक्स नहीं होता है तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट अज्यूम किया जाता है, क्या होता है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट अज्यूम किया जाता है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट में होगा तो सब्स्टिट्यूएंट का हमेशा क्या होता है, प्रफिक्स होता है ना, प्रफिक्स होता है, सफिक्स नहीं हुआ करता, तो क्या बोल देंगे इसको, नाइट्रो, यहाँ आएगा वो काम, क्योंकि ये नाइट्रो किसी कंपाउंड का क्या है, प्रफिक्स है, क्या है, प्रफिक्स है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, नाइट्रो मिथेन, नाइट्रो मिथेन, ये आईयूपीएसी नेम में कंसीडर किया जाएगा। मार्सन में आई कि नहीं आई, आ गई, आई कि नहीं आई, आ गई, ठीक है, जरा बता दीजिए अब आप लोग भी बता दो, फिर फटाफट बता दो इसका नेम क्या होगा, बताओ भाई इसका नेम क्या होगा, फटाफट बताओ, कॉमन नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम क्या होगा, दो कार्बन है ना, कार्बन नंबर टू है, वन और टू, टू कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, इथेन, और इसे इसमें लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इथाइल नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट, और यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, नाइट्रो 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 इथेन, क्या हो गया, नाइट्रो इथेन। इस तरह से सारे नोमेनक्लेचर आप लिख सकते हो, कोई सा भी कार्बन दे दें, आप प्रोपेन दे दें तो प्रोपाइल है ना, तीन कार्बन है, थ्री कार्बन वाला दे दें तो यहाँ पर प्रोपाइल नाइट्रेट बोल दोगे, या नाइट्रो प्रोपेन बोल दोगे, ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल है ना, इस तरह से कुछ एक दो में दूसरे लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, इस तरह का लिख दिया और इस पर लगा दिया क्या, NO2, साइक्लिक कंपाउंड है, कोई साइक्लिक कंपाउंड है उस पर लिख दिया, तो आपके पास साइक्लिक में आपको प्रफिक्स क्या लगाना होता है, साइक्लिक लगाना होता है ना साइक्लिक कंपाउंडों में, तो प्रफिक्स लगाओगे उस पर है ना, प्रफिक्स लगाओगे तो क्या प्रफिक्स यूज करोगे, साइक्लिक, कितने कार्बन की चेन है, फाइव की, तो चेन जिसकी है उसका प्रफिक्स लगाना है, ठीक है, वैसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर साइक्लो है, क्या है, साइक्लो, कितना कार्बन है, वन टू थ्री, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कुछ नहीं है तो फिलहाल, तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो आपके पास क्या हो जाएगा, नाइट्रो, नाइट्रो फाइव कार्बन है ना, तो पेंटाइल, साइक्लो साइक्लो पेंटाइल, सॉरी साइक्लो पेंटाइल नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइट, साइक्लो पेंटाइल नाइट्राइट है ना, पेंटाइल पेंटाइल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रो नाइट्रो साइक्लोपेंटेन, नाइट्रो साइक्लोपेंटेन, नाइट्रो साइक्लोपेंटेन, क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, तो इसके नोमेनक्लेचर में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी किसमें, RnH2, वैसे कोई दिक्कत इसमें भी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि हम पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे, पढ़ते नहीं है तो दिक्कत आती, पढ़ते नहीं है तो दिक्कत आती, और पढ़ लिया तो दिक्कत किस बात की, पढ़ा अगर हमने तो दिक्कत किस बात की, जब तक हम किसी को नहीं जानते तब तक हमारे लिए अननोन है, और अननोन चीज हमेशा क्या होती है, हमेशा क्या होती है, हार्ड होती है, क्या होती है, हार्ड होती है ना, तो वैसे ही है ये भी, और जब नोन हो जाती है तो कोई हार्ड नहीं होती, क्या आप लोगों ने सोचा कभी, आप अगर मम्मी अभी आपसे कभी कुछ बोलती है, मम्मी अगर कुछ बोलती है तो आप डरते नहीं हो, क्यों, क्यों नहीं डरते, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो, ज़्यादातर करीब मम्मी के रहते हो, घर पर जो भी आपका जो कुछ आपको चाहिए, खाना पीना कुछ भी, तो आपको मम्मी देती है, तो आप ऐसे में उनसे सब कुछ जानते हो, तो नोन है, अननोन नहीं है, तो आपके लिए घर वाले जितने भी मेंबर है मोस्टली उनकी टेंडेंसी पे वो जिस तरह से पोजीशन से वो नोन होते हैं, आप उनसे उसी तरीके से बिहेव शो करते हो, उसी तरीके से, अगर जो आपके घर में करीब ज़्यादा होता है, किसी के पापा करीब हैं, किसी के मम्मी करीब हैं, तो वैसे में वो उनके साथ ज़्यादा फेमिलियर, और जिससे कम करीब होते हैं तो उससे डरते हैं, तो ऐसे में कोई भी मान लीजिए कोई भी बाहर कहते ना बहुत सारे गुंडागर्दी करते रहते हैं, तो अगर कोई जो अननोन पर्सन है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, तो आप सोचोगे अरे भाई लड़ने के लिए आ गया, आप सोचोगे लड़ूं या नहीं लड़ूं, भाई मैं इसे लड़ूं या नहीं लड़ूं, क्या पता, क्या पता इसमें पता नहीं कितनी पावर है, हार गया तो पिट गया तो क्या होगा, ऐसे दिमाग
में आते रहते हैं, ऐसे दिमाग में आते रहते हैं, ठीक है। इसलिए वो कोशिश करता है बच लो भाई, जितना बच सके निकलते निकल लो, ठीक है ना। तो और जो नहीं डरता, इसका मतलब है उसमें क्या है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन उस लेवल पे मत लेके जाना। कॉन्फिडेंस पढ़ने वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, आपको वो काम नहीं करने हैं, आपको कौन से काम करने, ये काम करने, तो इनसे नहीं डरना है। तो कॉन्फिडेंस लाओ, इनसे मत डरो, कॉन्फिडेंस लाओ और इनको अननोन नहीं नोन बनाओ। तो जब तक अननोन रहेगा हार्ड रहेगा, और जब नोन हो गया और आप इसे फेमिलियर हो गए तो फिर ये आपके दोस्त की तरह आपके साथ चलेंगे और समझ में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे, एक दो ऑर्गेनिक का देख लो। इसमें यहाँ पर आपके पास क्या है, NO2 है ना, NO2 है। तो ये क्या है आपके पास, इसका IUPAC बता दो आपको, इसका IUPAC बता दो क्या हो जाएगा, बेंजीन है ना, क्या हो गया, बेंजीन। तो इसका IUPAC क्या होगा, नाइट्रो बेंजीन, क्या हो गया, नाइट्रो बेंजीन, क्या है, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, नाइट्रो बेंजीन और बेंजीन नाइट्राइड। इसे बेंजाइल मत बोलना बेटा, बेंजाइल मत बोलना, इसलिए बायल मत लगाना, क्योंकि देखो इधर बेंजीन नाइट्राइड, बेंजीन नाइट्राइड कॉमन नेम इसके थ्रू ले रहे हैं अपन, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं लगाना, क्योंकि इसलिए नहीं लगाना, अगर आपने ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, तो आपके लिए ये बेंजाइल हो गया, क्या हो गया, ये बेंजाइल हो गया, बेंजाइल, ये क्या है, बेंजाइल। और अगर आप इसे लिखना भी चाहते हो तो बेंजीनिल हो जाएगा, फिर ये बेंजीनिल होगा, फिर यहाँ लगेगा, फर्क है दोनों में, बेंजाइल नाइट्राइट, बेंजाइल नाइट्राइट, ये हो गया, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, देखो जरा, यहाँ तक हमने बात कंप्लीट कर ली है। इसके नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक दो हम बात करते हैं किसकी, अगर हमने ऐसा लिया, अगर हमने ऐसा लिया, क्या है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर NO2 ले लिया और यहाँ पर OH ले लिया, कहीं पर भी कुछ भी है, देखो अब आपके नोमेनक्लेचर को आपको देखना पड़ेगा, आपके नोमेनक्लेचर को आपको देखना पड़ेगा। नाइट्रो कंपाउंड ही है, आपने क्या किया, यहाँ पर COOH ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया, NO2 ले लिया, या फिर यहाँ पर आपने क्या ले लिया, COOH ले लिया, यहाँ पर NO2 ले लिया। तो ध्यान देना, आपने क्या किया, ये लिया। अब इसमें ये तो क्या है, जब मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहले कौन आता है, OH आता है। प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे देखा तो इसका पोजीशन इससे पहले आया, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसके थ्रू होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से लिख रहे हैं, इसका नेम देखो, अगर मुझे ये कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम और IUPAC अगर दोनों देख रहे हैं, तो देखो कॉमन नेम में मुझे क्या करना है, कॉमन नेम में मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन नेम में इसको क्या बोलते हो, दो तरीके से लिख सकते हैं इसका कॉमन नेम। एक तो क्या लिखोगे आप इसे, ऑर्थो, क्या लिखोगे, ऑर्थो। और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पूरी स्ट्रक्चर को, ऐसे तो समझ में नहीं आई अगर, तो इसे बता दो, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फिनोल, क्या बोलते हैं, फिनोल। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ऑर्थोफिनोल, क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। और तो यूज किया कॉमन नेम में, और तो यूज किया कॉमन नेम में। IUPAC में क्या होगा, IUPAC लिखना होगा इसका, तो क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे 1 और इधर चलोगे 2, क्योंकि लोएस्ट पोजीशन देनी है अपन को, NO2 को लोएस्ट पोजीशन देनी है। IUPAC के नोमेनक्लेचर, आप IUPAC नोमेनक्लेचर में सारे रूल्स पढ़ा दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखोगे आप NO2 में अगर आप देखोगे सेकंड पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की तरफ चलते हैं, नोमेनक्लेचर में नंबरिंग की तरफ देते हैं, लोएस्ट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो लोएस्ट पोजीशन इधर मिलेगी, अगर इधर से दोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन पे मिलेगा, तो हमने क्या किया इधर दिया, तो यहाँ लिखोगे टू नाइट्रो फिनोल, है ना। कई सारे बच्चे से अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, अगर इसे क्या मान लें हम, बेंजीन मान लें, तब हम क्या लिख सकते हैं, इसे 1, 2, 3 दिया तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो नाइट्रो
बेंजेनोल, ये लिखोगे क्या लिखोगे, बेंजेनोल। और जी क्या लिख सकते हो, टू नाइट्रो, टू नाइट्रो बेंजेनोल, टू नाइट्रो बेंजेनोल। आगे बात सुनने, ऐसे इसका क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो, और इसको क्या बोलते हैं एसिड ना, इसका सफिक्स क्या होता है ऑयलिक एसिड, और इसका क्या होता है ऑयल, ऑयल तो ऑयल ही लगाया मैंने, ऑयल लगाया है, इसका सफिक्स, इसका सफिक्स ऑयल, ठीक है। इसका प्रफिक्स क्या होता है, इसका प्रफिक्स क्या होता है, दो चीजें काम में आती है, जब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट में यूज होता है, जब इसका प्रफिक्स लेते हैं, और जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप में यूज होगा सफिक्स लेंगे। प्रफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, क्या होता है हाइड्रोक्सी, और इसका सफिक्स क्या होगा ऑन, ठीक है। ऐसे इसका क्या होगा ओइक एसिड, क्या होगा ओइक एसिड। और फर्स्ट नंबर पे तो यही आता है हमेशा, यहाँ से देखोगे तो टू थ्री इधर चलोगे, तो इसको भी क्या बोलोगे, अगर कॉमन लिखना है, कॉमन लिखना है तो क्या लिखोगे कॉमन में, ऑर्थोनाइट्रो, 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 और ये कौन है बेंजीन, बेंजीन, और इसके साथ कौन एसिड ना, तो बेंजेनोइक एसिड, क्या है बेंजेनोइक एसिड। और इसका आईयूपीएसी लिखना है, आईयूपीएसी लिखना है तो क्या होगा, टू नाइट्रो, टू नाइट्रो, टू नाइट्रो बेंजेनोइक एसिड। अब इसका बता देना आप क्या बनेगा, दोनों आईयूपीएसी पोजीशन में बता देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी मेन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया, जैसे यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप ये था, यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था, तो कोई भी मेन फंक्शनल ग्रुप जहाँ से हम कंसीडर करेंगे, जहाँ से हम कंसीडर करेंगे, उससे एडजेसेंट पोजीशन को हम क्या करते हैं ऑर्थो, और उससे अल्टरनेट को, यानी कि यहाँ से ये छोड़कर यहाँ पर, यहाँ से ये छोड़कर यहाँ पर, अल्टरनेट को मेटा, और इसके डायगोनल सीधे, जो डायगोनल ये जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन से डायगोनल पे, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे पेरा, क्या बोलेंगे पेरा। तो आपका ये ऑर्थो में था, अल्टरनेट अगर इधर होता तब भी मैं ऑर्थो, जैसे इसके इधर था ऑर्थो, इसके इधर था ऑर्थो, और अगर ये यहाँ है तो समझ जाना क्या है, और अगर इसके यहाँ है तो समझ जाना क्या है आप। अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ, आप बताना मुझे कि इसका नेम क्या है, इन दोनों का नेम आप मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में इन दोनों का नेम आप मुझे सेंड करना, पता लगेगा कि आपको क्या समझ में आया है और क्या नहीं, ठीक है। तो आज यहाँ तक बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, कल नोमेनक्लेचर की बात करेंगे अमाइन तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है बेटा तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और लाइक करने में भाई कंजूसी ना करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें, जब आपको मेंटर मिल रहा है तो आपको लाइक करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई यूट्यूब पर कोई भी जो नॉलेज है वो फ्री मिल रही है तो आपको सिर्फ देखने के और लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है जी। अगर आप लाइक करते हो और कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि किसी दूसरे टॉपिक पर भी हमें वीडियोज़ बनाने चाहिए तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपके सुझाव लिखिए, उसका हम जवाब देंगे। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।